बिहार की राजनीति में दलित कार्ड की बात खूब चल रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दलित नेता ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के लिए भारत रत्न देने की गुजारिश करते हुए पीएम को पत्र लिखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक चिट्ठी ने सियासी गलियारे में नई बहस की शुरुआत कर दी है। फडणवीस ने महाराष्ट्र की दो बड़ी हस्तियों के लिए भारत रत्न देने की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। फडणवीस ने भारत रत्न के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम की सिफारिश की है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र के दलितों के बीच महात्मा का दर्जा है। इसके मद्देनजर माना जा रहा है कि फडणवीस ने दलित कार्ड खेला है। इसके लिए बाकायदा फडणवीस ने पीएम मोदी को सिफारिश पत्र लिखकर गुजारिश की है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाए। हालांकि अभी तक किसी भी विपक्षी दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि कोई भी पार्टी विरोधाभासी बयान देकर दलितों के मन में अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहती है। लेकिन इतना तय है कि अगर फडणवीस की सिफारिश और गुजारिश स्वीकार हो जाती है तो बीजेपी के लिए एक नया वोट बैंक जरूर तैयार हो सकता है। मुंबई से मयूरेश गणपतिया के साथ आज तक ब्यूरो।